आर्टिकल पढ़ने से पहले एक तरह से हेडलाइन। 27वें विश्व पुस्तक मेले का आगाज, शाहजहां से सुल्तान कासिम भी बने चीफ गेस्ट। स्थापना दिवस, प्रवेश में खुला पहला पतंजलि परिधान शोरूम, रामदेव और बालकृष्ण ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा में रखी 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला। अब देखते हैं खबरें विस्तार। नई दिल्ली प्रगति मैदान में आज 27वें विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन हुआ। मानव संसाधन मिशन विकास मंत्री और शारजाह प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शेख हरीम बिन सुल्तान अल कसिमी ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। गौरतलब है कि UEA के शारजाह नगर का प्रतिनिधिमंडल इस साल विश्व पुस्तक मेले का अतिथि है। हरिद्वार योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि संस्थान ने आज अपने 24 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर धर्मनगरी में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि परिधान शोरूम का उद्घाटन किया। इस दौरान स्वामी रामदेव ने कहा कि पतंजलि अगले कुछ सालों में स्वास्थ्य, आजादी, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में देश को दुनिया की महाशक्ति के रूप में उभारेगी। नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा में 3318 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। खबरों में आज के लिए इतना ही है। वेमेनेस लीला की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।